स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हमारा पहला स्टूडेंट भी रहा, पहली बार मैंने किसी को गाइड भी किया इस यूपीपीएससी मेंटर स्टेज से, और उनका 2022 में सिलेक्शन हुआ। 9वीं रैंक इन्होंने हासिल किया सीनियर लेक्चरर डाइट में। आइए उनसे मिलते हैं, सपना मैम से। बधाई हो मैम। थैंक यू सर। अच्छा, आप ये कौन सा अटेम्प्ट दिया था मेंस का? ये मेरा मेंस का तीसरा अटेम्प्ट था, प्रीव्यू का फोर्थ अटेम्प्ट था, इंटरव्यू फर्स्ट था। अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि पहली बार इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन भी ले लिया। क्या रणनीति रही 22 के लिए? जैसे कि 2019-21 में जो मैं गलतियाँ की, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं मिला, उसमें मैंने सुधार किया। अच्छा, अक्सर ये होता है ना कि बच्चों के अंदर ये ऊहापोह बना रहता है कि मेंस की राइटिंग कैसे करें, कैसे सुधारें। 125 वर्ड में समेकित करना, फिर से 250 वर्ड में समेकित करना, उसके ऊपर विचार करना, तो इस चीज़ को आपने कैसे टेकल किया? क्योंकि ये तो जान लीजिए कि एनालिटिकल होता है, ठीक है, आईएएस के पैरेलल में यूपीपीसीएस का भी है, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, रट के तो संभव नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या रणनीति अपनाई, क्या ऐसा किया कि सारे क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया और अच्छे से 125 वर्ड में भी हो गया, 250 वर्ड में हुआ? जैसे मेरे 1921 में मेरे आंसर कंप्लीट भी नहीं हो पा रहे थे, और मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी पहले भी, लेकिन 2022 में मैंने माइंड मैप बनाना ज़्यादा, जैसे प्रश्न को देखते ही अपना एक माइंड मैप बनाया कि इसमें क्या लिखने से ज़्यादा कि इसमें क्या क्या मैं डाल सकती हूँ, कैसे मैं इसको लिख सकती हूँ। और एग्ज़ाम हॉल में भी मेरे सामने जब प्रश्न पड़ा तो मैंने कुछ सेकंड में उसका एक फ्रेम बना लिया कि मुझे ये लिखना है और इससे चीज़ें आसान होगी लिखना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के ड्राफ्ट आप पहले बनाना सीखी माइंड में कि ड्राफ्ट ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, एक को और होता है, लड़के जो यूपीपीसीएस के हैं चाहे आईएएस के हैं तैयारी करते हैं तो टिलेंडर वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है या उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? उस पे ध्यान देना चाहिए। पहले जो मेरा 1921 में रहा, मैं सारे आंसर में एक ही टाइप से लिख दे रही थी, लेकिन इस बार मैंने इसका बहुत ध्यान दिया कि विश्लेषणात्मक है या समालोचना करनी है या चर्चा करनी है, तो उस तरह से उसका आंसर का फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, तो उस पर मैंने खास ध्यान दिया इस बार। अच्छा, एक तो ये है कि जैसे कि क्वेश्चन आते हैं आप आंसर लिखते हैं तो भूल नहीं जाते हैं, अक्सर यही हमारे साथ बच्चे कहते हैं कि भूल जाते हैं आंसर कैसे लिखें, क्या कहाँ से स्टार्ट करें, तो उसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? कुछ जनरल डायमेंशन होते हैं आंसर की, तो एक तो वो अपनाना चाहिए। एग्जाम पेपर में कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके लिए एकदम नए होंगे, और उसको अगर रटने वाली ये अपने तकनीक अपने आप में अपना रखी है तो उसको तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ जनरल से पॉइंट हैं जो आप हर आंसर में यूज कर सकते हैं, और डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है, हर पहले से उस पर सोचना चाहिए कि क्या क्या डायमेंशन किसी भी आंसर के हो सकते हैं। अच्छा, आजकल युवाओं में जो तैयारी करते हैं, तो मैंने ये देखा, बेसिकली मैंने भी तैयारी किया तो ये पाया कि बच्चे सोचते नहीं हैं ना, पढ़ लेते हैं उसके इर्द गिर्द क्या हो सकता है, या जो टॉपिक है छोटे छोटे टुकड़े में बांट के अगर लिखें तो हमारे पास अच्छे आंसर हो सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? जैसे यूपीपीसीएस प्री में है तो फैक्चुअल आता है ज़्यादा, तो उसमें तो आपको रटने वाली ये कला है उसको अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन मेंस के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। हाँ, कोई भी टॉपिक है आपको उस पर सोचना पड़ेगा और तब उस पर लिखना पड़ेगा, तो वो इजी हो जाता है। अच्छा, तो 2019 और 21 में जो मेंस आपने दिया था तो उसमें आपने सोचा नहीं था? नहीं, बस आंसर राइटिंग की थी और एग्जाम में भी ये गलती की कि प्रश्न देख के लिखना शुरू, और उसके बाद थोड़ी देर बाद माइंड ब्लैंक कि अब क्या लिखा जाए, और मैंने 22 में मतलब ये गलती, आपका पेन रुक जाता था। 22 में मैंने प्रश्न पढ़ा और मैंने एक खाका अपने माइंड में खींच लिया कि इसमें क्या क्या लिखना है,
और फिर पेन नहीं रुकता, फिर आपको फिर और पॉइंट्स याद आने लगते हैं। अच्छा, तो आपने जो खाका खींचा तो क्या ऐसा, तो कितने बार बच्चे होते हैं सोचते हैं कि ड्राफ्ट बनाएं, तो खाका कैसे बनाएं, डायमेंशन में बांटती थी या कुछ ऐसे यूजुअली कोई आपका फॉर्मेट था? नहीं, डायमेंशन में मैंने बांटा। जैसे कि प्रश्न आया 2022 में कि उत्तर प्रदेश के त्यौहार, तो एक मैं जनरल लिख सकती थी जो जो त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, लेकिन मैंने उसको डायमेंशन में बांट दिया, ऋतुओं के आधार पे, धर्म के आधार पे, और जो पूरा पश्चिम क्षेत्र है उसके आधार पे, तो काफ़ी बेहतर लग रहा था आंसर। एक तो दोनों पेज कवर हो गए और आंसर मेरा स्मार्ट लग रहा था। बढ़िया। क्वेश्चन ये है कि टेस्ट सीरीज के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, पहले दिन से पिपड़ी जैसे प्री हुआ, उसके बाद क्या होता है मेंस का टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो कब समय होना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, आपने क्या रणनीति अपनाया, कुछ बच्चों को बताइए। टेस्ट सबसे पहले तो सिलेबस हो जाए, उसके बाद ही करना चाहिए मेंस की, क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं कि लिखना क्या है तो लिखेंगे क्या। और मैंने 2022 में मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था कोई भी, मैंने रिवाइज किया, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के एक महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और रिवाइज नहीं कर पाते, या तो आपका इतना अच्छा तैयार हो कंटेंट कि लास्ट में आप ज्वाइन कर लीजिए और बस लिखिए। लेकिन मैंने रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस रखा, और जो भी आंसर है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, या जो कुछ मैंने नए प्रश्न अपने से भी बनाए, या मैंने आपके चैनल से मदद ली, तो उसके मैंने एक माइंड मैप मैं बनाती थी, जो नहीं लिख पाती थी एक माइंड मैप बना के कि मैं इसमें ये लिखा जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए, क्या मैप होगा, क्या फ्लो चार्ट होगा, क्या डायग्राम इसमें बना सकते हैं, वो मैंने लिखा नहीं। अच्छा, अक्सर ये बोला जाता है कि आप अगर मेंस टेस्ट सीरीज नहीं लिखोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा बार बार सुनने में भी आता है, और हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो यही होता था कि टेस्ट सीरीज जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मेंस में सिलेक्शन नहीं होने वाला, और आपने 2022 में टेस्ट सीरीज ही स्किप कर दिया, ऐसा क्यों? मैंने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी 21 में भी, 19 में भी, 20 में पहले कर, तो मुझे एक लिखने का तो तरीका पता ही चल गया था कि लिखा कैसे जाता है कोई आंसर, और क्या मेरी गलतियां थी ग्रामेटिकल में, जैसे हिंदी मीडियम से थी। लेकिन मैंने जैसे आपसे पूछा था 2022 में जब मेरा मेंस था एक महीने पहले, क्या मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, तो आपने बोला नहीं ज्वाइन मत करिए, आप रिवाइज करिए, तो मैंने यही रणनीति अपनाई और सफल रही मेरे लिए। बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे टेस्ट सीरीज हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हम दे देंगे तो हमारा कंटेंट रिचमेंट बढ़ जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं? सबसे पहले तो सिलेबस आपको देखना है कि सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं तो नोट्स बनाती थी अपने, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लिया और उसको बार बार रिवाइज करिए, तो उसी में से प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न मतलब चारों पेपर से कुछ अलग हो जाएगा, अदरवाइज उसी से प्रश्न रहते हैं, विशेषतः UPPCS के पूरा सिलेबस को ही देख के वो प्रश्न बनाते हैं। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप प्रश्न के माध्यम से, जैसे बहुत सारे चैनल हैं नए नए तरह के, जो मुझे लगता है वो प्रश्न कभी नहीं आ सकता, उसको ही उसमें पढ़ देंगे, उसको सर्च करेंगे, तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले सिलेबस कम टाइम बर्बाद होता है उसमें। हाँ। टाइम बर्बाद होता है। अच्छा, तो आपने जो रणनीति मेंस के लिए अपनाई थी, एक तो टेस्ट सीरीज पहले आपने दे रखा था, लेकिन एक बाइक मतलब 21 में सिलेक्शन लिया, 21 में मेंस दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद एक महीना पहले आपने टेस्ट सीरीज के लिए हमसे पूछा, और एक बाइक क्या ऐसे चेंज ला लिया कि आपने स्ट्रेटजी में सिलेक्शन 2022 में हो गया, फाइनली हो गया? जैसे कि मैंने आपसे 15 दिन एग्जाम के मात्र 15 दिन पहले आपसे डिस्कशन किया था कुछ प्रश्नों पे कि इसको कैसे कैसे लिखा जाएगा, और आप पूछ रहे थे कि इसका आंसर कैसे आप लिखेंगी ओरली, और मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे ऐसे लिखूंगी, तो आपने उसको और जो सोचने की जो शक्ति जो है क्षमता है उसको और बिल्डअप किया मेरे लिए कि इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसे इसमें डायमेंशन दे सकते हैं। तो कुछ दिन से मुझे हर प्रश्न पे जो सोचने का जो कि कैसे किसी भी प्रश्न में सोचा जाएगा, कैसे उसके डायमेंशन एलैबोरेट किए जाएंगे, वो मुझे आ गया था। अच्छा, मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि मेंस में सबसे बढ़िया तरीका यही है कि डायमेंशन
सोच लो एक बार, एक चीज़ को टॉपिक को पकड़ो, सिलेबस के टॉपिक को पकड़ो और सारे डायमेंशन खोल दो, उसके बाद सब आसान हो जाता है, ऐसा है जी। जैसे 22 में एक योजना आई थी, मुझे योजना का नाम नहीं याद आ रहा, वो मैंने पहली बार एग्जाम हॉल में देखी ये योजना क्या है, और मैंने तो उससे पहले पढ़ा नहीं था। हाँ, उसका फैक्चुअल मैंने ज़रूर नहीं लिखा कि वो कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, अदरवाइज उसको मैंने एक जनरल डायमेंशन दिए और उसको कंप्लीट कर दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आपने जो मेंस के लिए नोट्स बनाए थे या जो सोर्स यूज किया था, क्या क्या यूज किया था? और बेसिकली अगर हम देखें तो UPPC मेंटर ग्रुप से आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत योगदान, ऐसे तो आपने ही मेहनत किया, लेकिन थोड़ा बहुत जो योगदान मिला वो किस टाइप का मिला और किस चीज़ के लिए मिला? जैसे मैं पहले से भी नोट्स बना रही थी और फिर मैंने आपसे हेल्प ली आपके नोट्स को, और अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए उस आपके नोट्स को लेके, उससे आप सेल्फ नोट्स तैयार किए और वो मैंने रिवाइज किए थे कई बार, तो आपका नोट्स काफ़ी अच्छा है, डायमेंशन दे के है। हाँ, शॉर्ट में अच्छे डायमेंशन दिए उसमें। लेकिन अक्सर ये देखते हैं ना कि जो UPPC का एक हवा बना रहता है, 5 साल लगे रहते हैं ना, 6-6 साल लगे रहते हैं, 7-7 साल लगे रहते हैं, ऐसा क्या मतलब? हमें बेसिकली ये है ना, ड्रॉप बैक बताना है कि क्या चीज़ लैक होता है। आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ लैक होता है, जैसे आपको 19 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, तो कुछ तो कमी लगी होगी, वैसा ही लोगों के पास और स्टूडेंट के साथ होगा, तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि क्या होता है या उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे? 2019 में तो मेरा शुरू ही की थी तैयारी और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, प्री निकल गया था, मैं सोचा भी नहीं था निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो इससे समझ में आया कि सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, आपका पूरा सिलेबस एकदम जैसे टिप्स पे नहीं याद होता है वैसे याद होना चाहिए, और तो आप कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, और आंसर राइटिंग करनी चाहिए, लेकिन जो आप हर अपने सिलेबस को सोचिए, एक कहते हैं ना इनकलकेट करना, वैसे कीजिए। ओके। और प्री और मेंस को साथ लेके चलिए, आप ये नहीं कर सकते कि पहले हम प्री कर लें और प्री क्वालिफाई कर लें तब हम मेंस शुरू करेंगे, ऐसे जैसे 2019 में हुआ कि प्री तो हो गया था लेकिन मेंस तो मतलब सोच भी नहीं पा रही थी कि होगा, लेकिन दिया तो हुआ भी नहीं। अच्छा आप मैम, एक चीज़ आपने अच्छी बात कही कि प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलना चाहिए। दूसरी बात है कि क्या मेंस की हम तैयारी करते हैं तो हमारे प्री में अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं? आपको ऐसा लगा और क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं, ऐसा कुछ हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाता है क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल, जैसे पॉलिटी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्री में भी काम आएगा आपका। अच्छा एक और चीज़ है कि आपने NCERT कितनी बार पढ़ी? एक भी बार नहीं। एक बार भी नहीं? लेकिन तो आजकल ये है कि NCERT पढ़ना ज़रूरी है और हर एक इसमें बोला जाता है कि NCERT पढ़ना चाहिए, ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका बेसिक पहले से क्लियर था? बिल्कुल नहीं, मैं मेरी एजुकेशन मैंने BEd 2011 में की है, उसके बाद डायरेक्ट मैंने 2019 में अपनी स्टडी से रिलेटेड किताब खोली थी, उससे बीच में मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, हाँ बच्चों को पढ़ा रही थी बस, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर रही थी। तो NCERT यही सोच के मैंने NCERT भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं NCERT पढ़ती 6 to 12, तो मेरे पास जॉब, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मैंने बुक्स ही पढ़ी। मैम एक और चीज़ सुना है कि ARC, जैसे 4th पेपर में ARC रिपोर्ट है, उसको कोट करना बहुत ज़रूरी है, और ARC बिना पढ़े आप 4th पेपर नहीं क्लियर कर सकते हो, आप पास नहीं हो सकते हो, ARC होना चाहिए, रिकमेंड करते हैं। तो ARC आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ी, ARC भी नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने एक नज़रिए से 2-4 पॉइंट देखे, क्योंकि उसमें जनरल पॉइंट है जो अच्छा होना चाहिए प्रशासन में, उन्होंने वही लिखा है, तो आप जैसे प्रशासन में क्या किया जाना चाहिए बेटर, तो आप अपना ही पॉइंट लिखिए और आप ARC को कोट कर दीजिए। ओके, मतलब कि ARC ने कोई बड़ी बात नहीं बताई है जो सोच सकता है इंसान। हाँ, जो लैक है, हाँ जो कमियां है हमारे समझ जो विकसित हो जाती है, उसको उन्होंने कहा है कि ये इसको मतलब
बेटर कर सकते हैं, ये किया जाना चाहिए, इसको बेटर कर सकते हैं, तो वो हम भी सोच सकते हैं कि क्या हमारे प्रशासन में कमियां हम जानते ही हैं और क्या हमको उसमें सुधार करना चाहिए वो भी हम जानते हैं। तो आप वही लिख दीजिए जो हम जानते हैं और सेकंड एआरसी को कोट कर दीजिए। ओके अच्छा, ये आपने जो डायमेंशन देना सीखा या जो आंसर राइटिंग करना सीखा, पहले तो मैंने देखा था आपको ही सजेस्ट किया था कि पैराग्राफ बहुत लंबा हो जा रहे हैं, इंट्रो भी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे, बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कैसे सॉर्ट किया जाए, उस पर कैसे मेहनत किया जाए। बेसिकली मेंस में यही एक कला है कैसे किया जाए, और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कैसे किया जाए। जैसे पहले मैं क्या करती, जो जो मुझे कोई प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है तो मुझे जो जो मैं इसमें जाननी, तो मैं सब लिख देती थी। तो ये तो नहीं करना है, आप उसको इंट्रो एंड कंक्लूजन शॉर्ट कर दीजिए उसको। जैसे पॉलिटी का प्रश्न है, कोई आर्टिकल डाल दीजिए, बस एक लाइन में खत्म हो गया, एक से डेढ़ लाइन में। और उसको जो मेन बॉडी है उसमें आप उसको डायमेंशन दीजिए, आप फ्लो चार्ट से बताइए, ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है उसमें मैप जरूर, इन्वायरमेंट है मैप जरूर इंक्लूड कीजिए और डायग्राम बनाइए। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो अभी नए बच्चे एकदम बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या क्या रणनीति अपनाना चाहिए तैयारी के लिए, कि पंचवर्षीय योजना ना हो, ठीक है ना, 5 साल के लिए ना हो, ऐसा क्या कुछ सजेशन आप या टिप्स देंगे उन बच्चों के लिए, आप बताएं। जैसे जो एकदम फ्रेशर हैं, और जैसे मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ समझ थी हिस्ट्री ज्योग्राफी की, लेकिन जो बिल्कुल समझ नहीं है तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, तो उससे एक समझ विकसित हो जाएगी कि क्या है हिस्ट्री, अपना इतिहास जान सकेंगे। और जिनको समझ है कुछ तो वो स्टैंडर्डाइज बुक पढ़ें, उसको रिवाइज करें कई बार, और नोट्स बनाएं अपना। नोट्स तो मैं बनाती हूँ, मुझे मतलब नोट्स मैं लिया भी है तो मैं फिर उसको अपने से और उसको शॉर्ट कर लेती हूँ। और प्रीओ मेंस को अलग अलग करके ना चलें, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि दोनों को साथ करके चलें, ये प्री मेंस को, लेकिन हाँ नोट्स अलग कर दें, डिवाइड कर दें, प्री का अलग हो और मेंस का अलग हो, कि जब प्री का एग्ज़ाम हो तो उसी को रिवाइज करें और मेंस का एग्ज़ाम हो तो उसको रिवाइज करें। जैसे मैंने एक प्री की इतनी मोटी कॉपी बना रखी है, इसमें सारे विषय हैं और उसमें वही मैंने लिखा है जो मैं नहीं जानती हूँ, और उसको मैं बार बार पढ़ती हूँ, लास्ट एग्जाम में 2-3 पहले मैं उस कॉपी को रिवाइज कर लेती हूँ, तो जैसे लगता है सब तैयार हो गया है एक तरह। अच्छा मैम, एक करेंट अफेयर को लेके बहुत रहता है, बहुत टेंशन में रहते हैं बच्चे, मेंस के लिए करेंट क्या करें, प्री का पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो आपने कहां से पढ़ा था करेंट अफेयर, कुछ बच्चों के बारे को सजेस्ट कीजिए इसके बारे में। मैंने पर डे एक वीडियो भी देखा है यूट्यूब से, जैसे दृष्टि चैनल का है या जी एस वर्ड चैनल का है, और इसके अलावा मैंने मैगजीन भी फॉलो किया है, एक मैगजीन, और फाइनली जो मैगजीन आती है विशेषतः UPPCS के लिए दृष्टि घटना चक्र की, उसको लास्ट में रिवाइज मैंने किया है। करंट आप एक ही दिन में तो नहीं तैयार कर सकते, जैसे कि एग्ज़ाम है आप लास्ट महीने करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट आप हमेशा आपको पर डे पढ़ना है, उसको निरंतर पढ़ना ही है। अच्छा मंथली जो करंट अफेयर की मैगजीन लेती थी तो क्या नोट्स बनाती थी या उसको पढ़ के कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेती थी मेंस के पर्पज़ में, प्री के मान लीजिए तो चलता है, ठीक है लास्ट में रिविज़न कर लिया, लेकिन मेंस के लिए क्या किया था आपने, वो नोट्स बनाया था कोई इम्पॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक है उनका किया, कि या पूरा बुकलेट रिवाइज करती थी, कुछ ऐसा बताइए। नहीं नहीं, उसका शॉर्ट नोट कर लेती थी कहीं, उसको शॉर्ट नोट में लिख लेती थी जैसे मुझे लास्ट में उसी को पढ़ना पड़े, देखना पड़े। लेकिन ये भी तो दिक्कत है कि कौन सा टॉपिक नोट करती थी, इस ये बताना है, क्योंकि बच्चे तो ये नहीं समझ पाते हैं फ्रेशर कि किस टॉपिक को नोट करें, है तो मैगजीन सब इम्पॉर्टेंट ही निकालेंगे, लेकिन कौन से टॉपिक को नोट करें। जैसे मैं पहले करती थी, मैं हर टॉपिक को नोट कर लेती 19 में 20 में 21 में, लेकिन मैंने धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि क्या कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी G20 चल रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो उससे प्रश्न ज़रूर बन सकता है, लेकिन अब ये नहीं कि हर कहीं भी विश्व में कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो उससे ही प्रश्न हमारे लिए बन जाए, उससे नहीं बनेगा। मतलब कि करेंट अफेयर जो आप पढ़ती हैं तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, नोट्स बनाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आगे के लिए SDM के लिए भी बहुत सारी बात शुभकामनाएँ, आप जल्दी ही SDM बनेंगी। थैंक यू।